कर चुके हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज बनाने जा रहे हैं निहारी, और जैसे कि हमेशा की तरह हम लोग बनाते हैं निहारी थोड़ी सी हटकर स्पेशल और बड़ी आसान और आसान सी तरकीब होती है। तो मेरे साथ रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का गोश्त लिया मैंने, तकरीबन 2 किलो है, इसके साथ एक नली भी है। तो अब इसको प्रेशर कुकर में पकाएंगे, उसके बाद जो है मसाले जार डालेंगे। तो हमें लहसुन अदरक और थोड़ा सा नमक और हल्दी शामिल करेंगे, और उसके बाद इसको ढक करके 45 मिनट तक प्रेशर। अच्छा जी, गोश्त को हमने प्रेशर कुकर दे दिया है, और अब ऑयल डालने का टाइम आ गया है। थोड़ा सा जो है ऑनियन प्याज को फ्राई करेंगे, उसके बाद मसालेदार डालेंगे। आपको ये जी हमारा जो बीफ का गोश्त था, नली हमने बीच में निकाल दी थी, और अब इसको प्रेशर कुकर अच्छी तरह हमने कुक किया है। तो अभी देख लेते हैं, मेरे ख्याल से गोश्त काफ़ी गल चुका है। ये जी आटा ले लिया हमने, और आटे को अच्छी तरह घोल कर दिया है इसको पानी के साथ। तो अब इसका जो है लिक्विड बना के हम शामिल करेंगे निहारी के साथ। ये जी कड़े मसाले हैं, तेज़पत्ता, बादियान फूल, एक इलायची बड़ी वाली ली है, और थोड़ा सा लौंग और साबुत डाल रहा हूँ मैं। ऐसे तो मेरे पास निहारी का तैयार मसाला है, वो डालेंगे इसमें, शामिल करेंगे। टमाटो पेस्ट डाल देंगे, काली मिर्च का पाउडर थोड़ा अच्छा सा डालेंगे इसमें, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये मसाला गले ना, इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। साबुत जीरा डालेंगे इसमें, और ये पाउडर वाला जीरा डालेंगे, और हल्का सा नमक डालेंगे। नमक हम ऑलरेडी गोश्त में डाल चुके हैं। ये जी नली डालेंगे इसमें हम, डालने का और टाइम आ गया है। इसके साथ शामिल करते हैं गोश्त, और इसके साथ ये शोरबा भी है इसका, तो वो भी बड़ा काम आने वाला है।
अलग करेंगे ताकि बाद में तड़के के साथ शामिल करें, क्योंकि ऑयल अभी अलग हो चुका है इसका और इसका जो शोरबा का पानी था वो भी खुश्क हो गया। तो ये ऑयल अलग करेंगे, इसको तड़के के लिए शामिल करेंगे और अभी जो है इसमें आटा जो हमने गोल करके रखा है पानी के साथ वो डालेंगे इसमें। जी ये अब आटा जो था ये फाइनल वो था, हमने शामिल कर दिया इसके साथ नारी के साथ, मसाले पहले डाल चुके हैं, ऑयल अलग कर चुके हैं, अब इसको पकाएंगे आटे को थोड़ा सा इसमें और इसका इस तरह मसाला पक जाए, आटा वगैरह पक जाए इसमें, इसको 10-15 मिनट तक ऐसे पकाएंगे, हल्की आँच या दरमियानी आँच पे आप पकाएंगे।